झरने के बहाव में फंसे थे 10 लोग, पानी में बहने से 3 ने गवाई अपनी जान। पुणे के लोनावाला में पानी के तेज बहाव में एक परिवार के कुछ सदस्य बह गए, जिनमें 3 की मौत हो गई। इसके अलावा 2 बच्चों की तलाश इस वक्त जारी है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन वहां पर भी रात होने की वजह से इस ऑपरेशन को रोकना पड़ा था। बताया जा रहा है कि पानी की तेज धारा में 10 लोग फंस गए थे, लेकिन 5 लोग अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। नमस्कार, मैं हूं दिनेश कुमार और आप देख रहे हो सच्ची खबरें। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा कि सब लोगों तक पहुंच जाए और इस बारिश के मौसम में सभी लोग सतर्क रहे। अपने परिवार वालों को खासकर जरूर शेयर कीजिएगा। पुणे के लोनेवाला में पहाड़ी इलाके में झरने के पास बारिश का आनंद ले रहे एक परिवार ने अपनी जान जोखिम में डाल दी। पुणे के हड़सापार के 5 लोग झरने के पानी में बह गए, जिनमें 3 की मौत हो गई और 2 की तलाश इस वक्त जारी है। उनकी तलाश की गई, लेकिन रात होने की वजह से सर्च ऑपरेशन को इस वक्त रोक दिया गया। पुणे पुलिस के मुताबिक हड़सापार इलाके के लियाकत अंसारी और यूनुस खान अपने परिवार के 17-18 सदस्यों के साथ बारिश के मौसम का आनंद लेने के लिए लोनेवाला गए थे। दोनों परिवार इस सुदूर इलाके में झरने के पास थे। यहाँ झरना भूसी डैम के पीछे स्थित है। पहाड़ी इलाका होने की वजह से इस क्षेत्र में बहुत कम ही लोग आते हैं और कोई भी वहाँ जाने की कोशिश नहीं करता है। पानी की तेज़ बहाव में फंस गए थे 10 लोग। अंसारी और खान परिवार एक दूसरे के साथ मानसून का आनंद ले रहे थे। परिवार जिस झरने पर रुका था, वहाँ पिछले 2-3 दिनों की भारी बारिश की वजह से पानी का बहाव अचानक तेज हो गया। बताया जाता है कि पानी की तेज धारा में 10 लोग फंस गए थे, उनमें से 5 लोग अपनी जान बचाने में कामयाब रहे और तेज धारा के बीच वह निकल गए। इसी बीच 5 लोग पानी की तेज बहाव में फंस गए और उसके साथ ही बह गए। साहित अंसारी अपने बच्चों के साथ पानी में बह गई। दरअसल 23 वर्षीय साहिता लियाकत अंसारी अपने बच्चों के साथ पानी की तेज बहाव में फंस गई थी, जो पानी तेज धारा के साथ बह गई थी, जहां उन्होंने अपनी जान गंवा दी। इसमें 13 वर्षीय अमीमा अंसारी और 8 वर्षीय उमेर सलमान भी शामिल थी, उनकी मौत हो गई। वहीं 4 वर्षीय अनंदा अंसारी और 9 वर्षीय मारिया अंसारी को ढूंढने के लिए तलाशी अभियान चलाया गया, लेकिन रात की वजह से कुछ पता नहीं चल पाया। सर्च ऑपरेशन को रोकना पड़ा। डॉक्टर ने CPR देकर बचाई एक लड़की की जान। 10 लोगों के फंसने के बाद 5 लोग पानी के बहाव से बाहर निकलने में कामयाब रहे थे, जिनमें से एक छोटी बच्ची को डॉक्टर ने CPR देकर उसकी जान बचाई, जो पर्यटन के लिए उसी झरने पर आई थी। पुलिस ने घूमने आ रहे लोगों से अपील की है, बरसात के मौसम में लोनेवाला खांडला इलाके के लोग यहाँ अक्सर पर्यटन की जगहों पर आते हैं, उनसे अपील की गई है। पुलिस ने अपील की है कि लोग अपनी और अपने परिवार की जान जोखिम में ना डाले। लोनेवाला पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सुहाना जगतपत ने पर्यटकों से सुभी बांध क्षेत्र, झील, टाटा बांध, तुगलिक बांध, राजमाची पॉइंट में पुलिस प्रशासन के साथ सहयोग करने की अपील की है। भूसी बांध के पीछे पहाड़ों में कई झरने बहते हैं। भूसी बांध डैम के पीछे एक पहाड़ है, उस पर्वत से कई झरने बहते हैं। झरने से पानी का प्रवाह सीधी भूसी बांध तालाब में आता है। भूसी बांध भी आज लबालब हो गया है और रविवार होने के कारण भूसी बांध पर पर्यटकों की भीड़ उमड़ पड़ी है।